हेलो प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ द नाउन, यानी कल के चैप्टर में, कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं। और कल नाउन के बारे में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन जानी थी कि नाउन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या मतलब नाउन किसको रिप्रेजेंट करता है। तो कल की वीडियो में हमने ये सब सीखा था। आज की इस क्लास में मैंने कल कहा था आपको कि नाउन को मैं ऐसे पढ़ाऊंगा आपको कि आप नाउन एक बार पढ़ने के बाद मेरी क्लास से तो कहीं भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा। नाउन के बारे में हर एक बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और पता होंगी, वो चाहे वो बच्चा हो या बड़े लेवल का कोई एग्ज़ाम हो या बड़े लेवल का कोई विद्यार्थी हो, कैंडिडेट हो। क्योंकि नाउन की अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं पता रहेगी तभी हमें आगे प्रॉब्लम होती है। जैसे कि कलेक्टिव नाउन हो गया, तो आपके कंपटीशन में कलेक्टिव नाउन ऐसे पूछा जाता है कि बच्चों को प्रॉब्लम तक होती है कंपटीशन में बैठने के बाद, उनको वहाँ से गलती देखने को मिलती है कि कलेक्टिव नाउन से हमारा गलत हो गया। तो वो हम बेसिकली हर तरीके से, हर एक वे में समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हमें अच्छे चीज़ों को अच्छे वे में करना है। तो अगर आपकी आपने कल की अगर वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर ज़रूर से ज़रूर देखिए। मैं वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर वो आपने नहीं देखा तो जाकर उसे देख लेना। तो आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ द नाउन पढ़ते हैं और जो जो मैं बताऊँगा आपको ध्यान से केयरफुली सुनना है। सब कुछ आपको जैसा जैसा बताऊँगा मैं वैसा वैसा कॉपी करते चले जाना है, और जैसा जैसा बताऊँगा मैं ट्रिक वाइज बताऊँगा, कुछ भी बता रहा हूँ वो आपको ध्यान देना है, नोटिस करना है। इसके बाद मैं गारंटी लेता हूँ इस मतलब मेरी पढ़ाने के बाद, नाउन पढ़ाने के बाद तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि नाउन के टाइप कितने होते हैं। क्योंकि जब बच्चे अक्सर 12th पास आउट होते हैं, कुछ दिनों तक जब इधर उधर टहलते घूमते रहते हैं तो नाउन की डेफिनेशन याद रहती है लेकिन टाइप भूल जाते हैं, वो नाउन की बजाय प्रोनाउन का टाइप याद आने लगता है। तो मैं वो गारंटी लेता हूँ कि आप भूलोगे नहीं। जो 5 टाइप का नाउन होता है वो कभी भी आप भूलोगे नहीं, क्या क्या होता है, कैसे होता है, कभी भी आप भूलने के ही नहीं हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो काइंड्स ऑफ द नाउन, आपका संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के वैसे ही मतलब 5 भेद होते हैं, आपको पता होगा बेसिकली संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला कौन सा, प्रॉपर नाउन जिसकी हिंदी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है कॉमन नाउन जिसका मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा आपका होता है कलेक्टिव नाउन जिसका मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। चौथा होता है मटेरियल नाउन, आपका पदार्थवाचक संज्ञा। और पाँचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या होता है पांचवा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक संज्ञा। अब हम पहला स्टार्ट करेंगे कि आपका क्या होता है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन जैसा कि नाम इसका हिंदी में होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, या पहले मैं इनकी पढ़ लेता हूँ इन्होंने क्या कहा है, उसके बाद मैं अपने लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ कैसे आपको क्लियर कट याद करके रखना है। तो इन्होंने, इनके हिसाब से कहा गया है कि आ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मैं आपको रियलिटी बता दूँ, जब मैं ये पढ़ता था डेफिनेशन तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं होता था कि प्रॉपर नाउन होता क्या है, प्रॉपर नाउन कैसे काम करता है, मुझे बिल्कुल नहीं याद होता था। लेकिन कुछ दिनों बाद जब धीरे धीरे गहन अध्ययन करने के बाद पढ़ा मैंने प्रॉपर नाउन को, तब जाके समझ में आया कि प्रॉपर नाउन आखिर होता क्या है, कैसे कह दिया जाता है कि अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। तो एक बात समझो, हिंदी इसकी क्या लिखी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्ति क्या होता है, तो व्यक्ति कोई पर्सन होता है, जैसे मैं हूँ तो मैं एक पर्सन हूँ, आप हो जो वीडियो को देख रहे हो सुन रहे हो, ओबियसली बात है एक पर्सन ही होगी, जानवर तो सुनेगा नहीं, तो व्यक्ति हो आप। अब व्यक्ति जैसे आप हो वैसा कोई और नहीं होगा, या मानो जैसे मैं हूँ वैसा मेरे जैसा कोई और नहीं होगा, यानी मेरे नाम के जैसे तो मिल सकते हैं, आपके नाम के जैसे तो लोग मिल सकते हैं, लेकिन जैसे आप हो वैसा मिलना मुश्किल है, नामुमकिन है, वैसा कहीं भी नहीं मिलेगा। तो बस इसी बिहाब पे रखा गया है प्रॉपर नाउन को, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो कहा गया है वो इसी बिहाब पे कहा गया है कि जैसे व्यक्ति होता है तो जो व्यक्ति अपने में खुद है वो सिर्फ एक होता है, उसके जैसा जो है कोई और नहीं होता है। तो इसी बिहाब पे प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा गया है। मतलब हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको प्रॉपर नाउन की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा से रिलेट करता है। बच्चों को कन्फ्यूजन होती है वो मैं आपको बताता हूँ, आप बताना कि सही है गलत। जैसे कि आता है ना प्रॉपर नाउन हो गया, तो उन्हें हिंदी पता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो उन्हें ये दिमाग में आता है कि जो व्यक्ति के नाम से रिलेटेड होगा वही वही प्रॉपर नाउन होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है।
उसमें बीच में वस्तु भी आ जाती है, कोई ना कोई ऐसी वस्तु आ जाती है जो बच्चों को और कंफ्यूज कर देती है कि नाम तो व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखा है, इसमें वस्तु कैसे कहाँ से आ जा रही है। तो वही बात हुई, तो प्रॉपर नाउन की एग्जैक्ट जो डिफिनेशन होती है वो मैं बता रहा हूँ, उसे आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए भी। जैसे प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन, तो जिन वस्तुओं को या जिन चीज़ों को, जिन ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकते हैं अपनी आँखों द्वारा, नेकेड आई द्वारा, जिन आँख जिन वस्तुओं को, जिन सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को हम अपनी आँखों के द्वारा देख सकते हैं और उन्हें छू सकते हैं, देख सकते हैं अपनी आँखों द्वारा, अपने हाथों के द्वारा उन्हें टच कर सकते हैं, और एक बात यहाँ पे कंडीशन है कि और उनके जैसे कोई और ना हो, यानी जिन वस्तुओं को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और उनके जैसा कोई और ना हो, उन्हें हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे नाम से नाम से मत जाना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसमें बात सिर्फ व्यक्ति की जाएगी, कोई पर्सन से रिलेटेड कोई नाउन आएगा हम उसको बता देंगे प्रॉपर नाउन। तो पर्सन भी होते हैं इसमें, व्यक्ति भी होते हैं और उसके अदर भी हो जाते हैं, मतलब वस्तुएं भी आ जाती हैं, कमोडिटीज़ भी आ जाती हैं, थिंग्स वगैरह आ जाती हैं। तो अब एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे हमने कहा ताजमहल, ताजमहल जो है वो ताजमहल जो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, बात उसी ताजमहल की जा रही है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस बनेगा तो ताजमहल एक ही तो है और कहीं ताजमहल है जो फेमस है, ताजमहल वही है जो आगरा में सिचुएटेड है, जिसे शाहजहां ने बनवाया था मुमताज़ महल के लिए, तो वो क्या हो गया, वो दुनिया में विश्व भर में वो एक है, उसके जैसा ना कोई दूसरा है, और उसे हम अपनी आँखों द्वारा देख सकते हैं और हम हाथों के द्वारा उसे टच कर सकते हैं। तो हो गया प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन की कंडीशन, जो जो ऑब्जेक्ट फॉलो करेंगे वो आपके प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, ये आपको याद कर लेना है, बस आपको फील कर लेना है, दिमाग में बिठा लेना है कि जिन वस्तुओं को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और उनके जैसे कोई दूसरा ना हो, उन्हें हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। अब जैसे दूसरा एग्जांपल मैंने लाल किला ले लिया, तो जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनवाया गया था, जो दिल्ली में सिचुएटेड है, उसी लाल किले की बात हो रही है। किसी से भी पूछोगे, किसी से भी कहोगे लाल किला, तो वो वही सोचेगा जो दिल्ली में है, और कहीं तो लाल किला है नहीं और कोई जानता भी नहीं कहाँ है, तो वही सोचेगा। तो उसके जैसा कोई ना दूसरा है, उसे हम देख भी सकते हैं और हाथों द्वारा छू भी सकते हैं, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब यहाँ पे जो पहला सेंटेंस लिखा गया है, महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर, तो महात्मा गांधी, आप किसी से भी कहोगे महात्मा गांधी, तो वो किसको रिलेट करेगा, वो जो क्रांतिकारी थे, यानी जो अपने राष्ट्रपिता कहे जाते हैं महात्मा गांधी, उन्हीं को तो याद करेगा वो, उन्हीं को दिमाग में तुरंत इमेज बना लेगा कि हाँ महात्मा गांधी, उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। और सेंटेंस में भी वही दिखाया जा रहा है कि महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी आपके एक महान नेता थे, तो वही बताया जा रहा, तो महात्मा गांधी और उनके जैसा ना कोई हुआ है और ना कोई होगा, और उनको हम देख भी सकते थे, छू भी सकते थे, तो हो गई तीनों कंडीशन फॉलो, तो प्रॉपर नाउन हो गया ये। उसके बाद आपका कोलकाता, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, कोलकाता का नाम जैसे लोगे आप, बताया जाएगा कि हाँ पश्चिम बंगाल की वही राजधानी है, तो वो एक ही है, उसके जैसा, उसके नाम के जैसा हो सकता है, लेकिन जैसा कोलकाता है वहाँ पे जैसे गलियाँ बसी हुई हैं, जैसे वहाँ पे हर मैनेजमेंट देखा गया है मार्केटिंग का, तो एकदम उसी तरीका हूबहू मैनेजमेंट और कहीं पे नहीं हो सकता है, उतनी लैंड वगैरह किस दिशा में किस किस में हो जाए ये नहीं हो सकता, नाम से अलग हो सकता है, नाम भी ढूंढने को ढूंढोगे तो बहुत कम मिलेगा, यहाँ पे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, और कोलकाता एक ही कोलकाता है, वो विदेशों में कुछ भी हो सकता है, मिल सकता है, लेकिन नाम मिलेगा उसके जैसा शहर नहीं मिलने वाला है। तो ये हो गया, हम देख भी सकते हैं उसे, छू भी सकते हैं, कोलकाता नाम को नहीं, कोलकाता शहर को छू सकते हैं और देख सकते हैं, तो वो हो गया, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे द हिमालयाज लाइक कोलकाता के जैसा कोई दूसरा है भी नहीं। अब द हिमालयाज में बात की जा रही है किसकी, हिमालय की जो पहाड़ियां हैं इसके बारे में बात किया जा रहा है कि द हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, यानी हिमालय जो है वो इंडिया के उत्तर में सिचुएटेड है या स्थित है, लाई करता है, तो हिमालय जो है उत्तर के यानी भारत के उत्तर भाग में वो स्थित है या लाई करता है वहाँ पे। अब हिमालय जो हिमालय की पहाड़ियाँ, हिमालय पर्वत, दिमाग में भी आता है कि सबसे ऊंचा है, बहुत ऊंचा है वो, तो हिमालय की जो पर्वत हैं वही दिमाग में आएगा, तो उसके जैसा ना तो कोई है ना कोई हुआ है, तो उसे देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसके बाद गंगा,
गंगा जो नदी है आपका, गंगा की बात हमेशा आती है तो नदी मुंह पे आ जाता है, गंगा नदी है हमारे देश में बहती है वो, तो गंगा नदी उसके जैसा ना कोई है और ना कोई होगा, तो और उसे देख भी सकते हैं हम, छू भी सकते हैं, तो गंगा आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आ जाएगा। देखो आ गया ना, ई पॉइंट पे लिखा है वी वेंट टू सी द ताज, वी वेंट टू सी द ताज, हम कहाँ गए, ताज देखने गए, तो ताज देखने गए तो ताज होटल की बात हो रही है या ताज महल की बात हो रही होगी, ताज होटल तो कई सारे हो सकते हैं, तो यहाँ पे ताज महल की बात की जा रही है, तो ताज महल उसके जैसा ना कोई दूसरा है और उसे देख सकते हैं छू सकते हैं, तो ताज आपका ताज महल जो हो जाएगा वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब आगे जो अब इनकी डेफिनेशन और हमारे डेफिनेशन से बहुत अंतर है, इनकी डेफिनेशन में कुछ समझ में नहीं आने का, इनमें यही समझ में आएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो नाम से स्पष्ट है कोई व्यक्ति होगा पर्सन होगा उसे हम प्रॉपर नाउन बता देंगे। तो आशा करता हूँ जो मैंने बताया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपर्युक्त वाक्यों में महात्मा गांधी, कोलकाता, हिमालयाज, गंगा और ताज का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, पर्वत, नदी और स्मारक के रूप में हुआ है, अतः ये सभी शब्द आपके प्रॉपर नाउन किस श्रेणी में आते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा। आगे हम सेकेंड टाइप पे बढ़ते हैं नाउन के, तो सेकेंड टाइप आपका कौन सा है, तो यहाँ पे सेकेंड टाइप है लिखा हुआ है, और ये भी और यहाँ पे एडवांस में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर जो है वो लेटर सदैव कैपिटल होता है, यानी प्रॉपर नाउन का हमेशा पहला अक्षर जो होगा वो कैपिटल लेटर होगा, ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आपका कॉमन नाउन आता है, क्या आता है, कॉमन नाउन इसे हम यहीं पर रहने देंगे। कॉमन नाउन भी तो दूसरा आपका आता है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन किसे कहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूं, पहले एंड की डेफिनेशन पढ़ते हैं कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। अब इसका क्या हो गया, अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। अब इनके डेफिनेशन के हिसाब से तो आपको रटना पड़ेगा, याद हो जाएगा, याद भी कर लोगे, भूल जाओगे बीच में, समझ के याद करेंगे तो कभी भूलना पड़ेगा ही नहीं। तो किसी एक वर्ग या एक ही प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं के नाम को क्या कहा जाता है, जातिवाचक हम संज्ञा कहते हैं। उसके बाद मैं अपनी डेफिनेशन बताऊंगा आपको। आप यहाँ पर हो गया ऐसे में प्रॉपर नाउन पढ़ाना कि जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है और जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, वो आपका क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। अब कॉमन नाउन तो जातिवाचक संज्ञा, तो कॉमन मतलब ऐसे समझो, आप आपने मैथ पढ़ा होगा, मैथ में अलजेब्रा के क्वेश्चन लगाए होंगे, तो उसमें जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आता है तो कहा नहीं जाता इसमें से एक्स कॉमन ले लो, दोनों में एक्स एक्स है तो वो हो जाता है, तो कॉमन नाउन वहाँ पे आ जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट तो प्रॉपर नाउन का सेम कॉपी है, बस में एक चीज़ बदल देना है कि वह वस्तुएँ, वह चीज़ें जिन्हें हम आँखों द्वारा देख सकते हैं और छू सकते हैं और उनके जैसे और कई सारे हो जाएं, उनके जैसे और कई सारे हो जाएं तो उन्हें क्या कहा जाता है, कॉमन नाउन कहा जाता है। जैसे हो गया आपका यहाँ पे कंट्री, देश हो गया, इनका एग्जांपल ले लें तो कंट्री देश हो गया, तो कंट्री एक देश के एक देश के जैसे कोई दूसरा देश हो सकता है। टेबल ले लो आप, मेज जो होता है तो एक जैसा मेज है, कई सारे मेज हो सकते हैं। बाइक हो गई, जो गाड़ी होती है टू व्हीलर, तो उसके जैसे कई सारी गाड़ियाँ आती हैं, एजेंसी में एक ही तरीके के सभी गाड़ियाँ रहती हैं, किसी में कोई फंक्शन अलग चेंज नहीं रहता है। उसके बाद क्या हो गया, डॉग हो गया, तो कुत्ते के जैसे कोई कुत्ते हो सकते हैं। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, वो कुत्ते को नहीं बता रहा है कि कुत्ते के मतलब कुत्ते के प्रजाति को बताया जा रहा है, एक कुत्ते को नहीं बताया जा रहा, कुत्ते के जैसे कोई और डॉग होगा उसका अगर नाम है अलग से नाम पुकारा जाएगा, वो कुत्तों को बताया जा रहा है कि सारे कुत्ते एक जैसे होते हैं, भौंकने की आदत सब में होती है, थोड़ी कोई बोलता है कोई कुत्ता, सब भौंकते हैं, चार पैरों पर सभी चलते हैं और सबके पास एक क्या होता है, उसकी टेल होती है, तो कॉमन नाउन हो गया, यानी उनका हाँ उनके जो डॉग की प्रजाति को बताया जा रहा है, वो किसी एक डॉग को नहीं रिलेट किया जा रहा है, एक डॉग को बताया जाता है तो उसका नाम लिखा होता है यहाँ पे। उसके बाद फ्रूट हो गया, तो फल के जैसे अनेक फल भी होते हैं, आम जैसा सेम है उसके जैसे दूसरे आम भी होते हैं। उसके बाद गर्ल हो गया लड़की, तो लड़की के जैसे
मतलब लड़की 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 कहने का मतलब लड़की का क्या मतलब, लड़की वही होती है आवाज़ पतली होती है जिसे हम पहचान लेते हैं कि लड़की मतलब आवाज़ पतली है तो लड़की है, और लड़कों की भी आवाज़ कुछ भी पतली होती है लेकिन लड़कियां अधिकतर मुस्किन उनकी आवाज़ लड़कों की तुलना में पतली ही होती हैं, तो उन्हें हम कह देते हैं कि कॉमन नाउन की श्रेणी में आते हैं सब। अब उसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि उपर्युक्त वाक्यों में कंट्री, गर्ल, डॉग, किंग और फ्रूट किसी विशेष नाम को ना बताकर अपनी जाति के विषय में बताते हैं, अतः ये सभी कॉमन नाउन्स जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। उसके बाद आते हैं हम थर्ड पे कलेक्टिव नाउन, क्या इस पे आते हैं, थर्ड पे हम आते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आपका क्या होता है, तो समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा तो हम धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे, देखो दो चीज़ें मेन थी आपकी कौन कौन सी, एक प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन, अब कलेक्टिव नाउन आपको समझने में आसानी होगी। तो समूह में जब कोई चीज़ें आती हैं, समूह में जैसे भेड़ जो चरने जाती हैं समूह में जाती हैं, बकरियां जाती हैं समूह में जाती हैं, आप ग्रुप बना के बैठे हो तो ग्रुप तभी कहा जाएगा जब दो चार लोगों का वहाँ पे बैठका होगा, समूह बनेगा तभी कहा जाएगा। तो समूह में ये सारे नाउन आ जाते हैं। जैसे इनका डेफिनेशन, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल, यानी उन्हीं व्यक्तियों की संज्ञा नंबर्स को कहते हैं कि कई सारे हों लेकिन उनको मिला के एक बोला जाए। किसी व्यक्ति अथवा वस्तुओं के समूह के नाम को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टीम हो गया, आवर टीम। अब टीम कहने का मतलब ऑब्वियस सी बात है मन में यही आएगा, चार पांच लोग हैं टीम में तभी टीम बोला जाएगा उसको। दूसरा है क्राउड, क्राउड कब बोला जाता है, जब भीड़ आती है भीड़ को ही क्राउड बोला जाता है, और भीड़ में लगभग नंबर ऑफ पीपल्स मैक्सिमम होते हैं, नहीं मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल होते हैं, लोग होते हैं वहाँ पे, व्यक्ति होते हैं, पर्संस होते हैं, तो उसे हम भीड़ कह देते हैं, क्राउड कह देते हैं, तो ऑटोमेटिक क्राउड आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। उसके बाद हर्ड ऑफ कैटल, तो जो जंगली जानवर होते हैं उनकी झुंड को हर्ड बोला जाता है, तो हर्ड आपका क्या हो जाएगा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। क्लास हो गया, लाइब्रेरी हो गई, लाइब्रेरी में एक बुक एक आदमी थोड़ा ना पढ़ने जाएगा, वहाँ पे कई सारे लोग जाते हैं तो उसे हम लाइब्रेरी कह देते हैं। क्लास कई सारे बच्चों का एक समूह होता है, क्लास कह दिया जाता है उसको। तो ये आपके कलेक्टिव नाउन का कुछ एग्जांपल थे, कुछ ज़रूरी था उसके बारे में जानना। अब उपर्युक्त वाक्यों में टीम, क्लास, क्राउड, लाइब्रेरी और हर्ड सभी समूह का बोध कराते हैं, अतः सभी कलेक्टिव नाउन्स की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम फोर्थ वाले ऑप्शन पे, या फोर्थ टाइप ऑफ नाउन पे। फोर्थ का आपका टाइप है जो मटेरियल नाउन, यानी मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। आपको मटेरियल नाउन यहाँ पे क्या कहता है, तो अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, यानी मटेरियल नाउन। अब मैं अपने बात में समझाता हूँ, तो लगभग जो चीज़ें कॉमन नाउन होंगी या जो चीज़ें प्रॉपर नाउन होंगी वो लगभग मटेरियल नाउन होंगी, लगभग नहीं सारी की सारी होंगी, लगभग हाँ मटेरियल नहीं सारी की सारी नहीं। जैसे आदमी को कह दिया जाएगा तो उसकी चमड़ी को मटेरियल थोड़ी ना कहोगे, वो तो जब इंसान कोई चीज़ बनाते हैं तो मटेरियल कहलाता है वो। तो जैसे हमने ताजमहल ले लिया प्रॉपर नाउन में, कॉमन नाउन में हमने क्या ले लिया, मेज ले लिया, तो मेज लकड़ी है, लकड़ी क्या है मटेरियल है। ताजमहल किससे बना हुआ है, ईंट से बना हुआ, संगमरमर से बना हुआ है, तो संगमरमर आपका क्या हो जाएगा मटेरियल हो जाएगा। संगमरमर का जो फॉर्मूला होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो वो मटेरियल है भाई, तो मटेरियल से मिलके बना हुआ है, तो वो आपका क्या हो जाएगा मतलब प्रॉपर नाउन। कुछ बहुत प्रॉपर नाउन ले लो आप, कॉमन नाउन सारे के सारे कॉमन नाउन ये क्या होते हैं, मटेरियल नाउन ऑल्सो होते हैं। उससे पहले होते हैं मटेरियल नाउन, बाद में पढ़ा जाता है मटेरियल नाउन को। जैसे हो गया यहाँ पे ऑनेस्टी, नहीं वो कहाँ पे हो गया मिल्क हो गया दूध, दूध के जैसा दूध नहीं हो सकता, हो सकता है, तो कॉमन नाउन भी है और आपका मटेरियल नाउन भी हो जाता है। और गोल्ड सोना, तो सोने के जैसा दूसरा सोना भी हो सकता है भाई, सोने की अंगूठी आपने पहनी है, दूसरे सोने की अंगूठी सेम उसी तरीके की हो सकती है, तो सोना आपका कॉमन नाउन हो सकता है, मटेरियल नाउन है ही। और सिल्वर इज़ वाइट, तो सिल्वर के जैसा दूसरा सिल्वर भी होता है, उसी के जैसा वाइट भी होता है वो, तो सिल्वर कॉमन नाउन भी हो गया, मटेरियल नाउन भी हो गया। उसका वुड, लकड़ी, लकड़ी की मेज बनती है, लकड़ी आपका कॉमन नाउन आ जाता है, लकड़ी के जैसे अदर भी हो सकते हैं, लकड़ी को क्या कह दिया जाएगा मटेरियल नाउन भी हो जाएगा वो। उसके बाद ब्रास, ब्रास मतलब क्या हो जाएगा,
कांसा जो हो जाता है, तो कांसा मिक्सअप होता है कॉपर और टिन का, तो कांसा ब्रास ये भी आपका ब्रास के जैसा दूसरा ब्रास भी होता है। अगर दूसरा ब्रास लेंगे तो उसमें भी तो कॉपर और टिन मिला हुआ होगा, क्योंकि दूसरा मिलेगा तो दूसरा एलिमेंट कहलाया जाएगा वो। फिर तो ब्रास हो गया, वुड हो गया, मिल्क हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं आपके मटेरियल नाउन भी हैं और कॉमन नाउन भी होते हैं। तो उपर्युक्त वाक्यों में मिल्क, गोल्ड, सिल्वर, ब्रास और वुड जो हैं पदार्थवाचक संज्ञाएं हैं। मटेरियल नाउन का हिंदी पदार्थवाचक संज्ञा है। तो आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से, दोनों के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ये मत सोचना कि हिंदी मीडियम के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं, इंग्लिश का नहीं है। इंग्लिश का भी आपका डेफिनेशन लिखी हुई है, हिंदी की भी लिखी हुई है, तो दोनों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके बाद आगे पाँचवें पे पढ़ते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? तो भाववाचक संज्ञा। बात है तीनों को समझने में। प्रॉपर नाउन समझ लिया, नाउन आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ लिया, नाउन आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये तो नाम से ही बता रहे हैं कि हम तो यही हैं। प्रॉपर नाउन में दिक्कत होती है बच्चों की कि नाम से स्पष्ट नहीं होता है। कॉमन नाउन भी नाम से स्पष्ट नहीं होता है, कि मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन ये नाम से स्पष्ट हो जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी भाववाचक संज्ञा। अब जो नाम स्पष्ट है भाववाचक संज्ञा, तो जहाँ पे भाव दिखाया जाए। अब इसकी डेफिनेशन मैं और बता दूंगा, आसानी से याद हो जाएगी आपको। तो यहाँ पे लिखा हुआ जैसे एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। भाववाचक संज्ञा किसी गुण, कार्य या अवस्था के नाम का बोध कराता है। इनकी डेफिनेशन तो बहुत समझ में आई होगी आपको, मेरे को तो नहीं आती है इनकी डेफिनेशन किताब की, मैं अपने ही शब्दों में निकाल के फिर समझता हूँ उसे। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपको बताऊँ तो जिन वस्तुओं को हम ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते उनको, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कह देते हैं। जैसे आपका स्माइल हो गया, तो आप हंसी चेहरे का इम्प्रेशन देख रहे हो, हंसी नहीं देख रहे हो। किस टाइप की हंसी है बता सकते हो? यानी मैं मुस्कुरा रहा हूँ, चलो तो आप बता दो किस टाइप की हंसी है। तो हंसी नहीं बता सकते आप चेहरे का इम्प्रेशन देख रहे हो कि स्माइल कर रहा है वो। उसका दर्द हो गया, पेन, कोई आपको थप्पड़ मार दिया, दर्द हो रहा है आपको, तो पेन आपकी बॉडी को महसूस हो रहा है, वो सिग्नल भेज रहा है कि दर्द हो रहा है। दर्द कैसा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितने अमाउंट में है, ये नहीं बता सकते आप कभी, ना उसे छू सकते हो ना देख सकते हो, केवल फील कर सकते हो बस। उसके बाद हैप्पीनेस हो गया, आप खुश हो, खुशी दिखा दो, खुश हो आप रह सकते हो आराम से मूड फ्रेश करके, लेकिन खुशी नहीं दिखा सकते। खुश आपका क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस क्या हो जाएगी आपकी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। पावर्टी, जैसे यहाँ पे डी ऑप्शन पे लिखा है पावर्टी, गरीबी, तो गरीबी आप देख नहीं सकते हो, उसके हालात बताते हैं कि वो गरीब है। आप गरीबी कभी देखे हो बताओ, कि गरीबी के चार पैर होते हैं, आके वो सबको उठा के लेके चली जाती है, ऐसा नहीं होता है। हम उसके हालात को, उसके जो रहन सहन को देख के बताते हैं कि वो गरीब है इंसान। गरीबी को कभी नहीं देख सकता कोई, ना कोई है ना कोई देख भी नहीं सकता। तो ये आपका गैस में आता है, भाववाचक संज्ञा में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की संज्ञा में। उसके बाद हो गया डेथ, हो गया मृत्यु, तो मृत्यु को कोई नहीं देख पाता कि शरीर तो इतना बड़ा है, नहीं जब कोई मृत्यु हो जाती है तो शरीर थोड़ी ना उठ के चला जाता है, वो तो मृत्यु चली जाती है पता नहीं कब आके, तो उसे भी ना देख सकते हैं हम, ना सुन सकते हैं, ना छू सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। हेल्थ, स्वास्थ्य आपका ठीक है, तो वो तो आप ठीक रहते हो, स्वास्थ्य कहाँ ठीक रहता है, स्वास्थ्य को देखा है कभी नहीं? मतलब स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो क्या आप तो सीधे लेटे हुए हो, स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो उसका पैर टेढ़ा हुआ है, कैसे बैठा हुआ है वो, तो स्वास्थ्य नहीं देख सकते आप, ना छू सकते हो। तो ये किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा इन्हें कहते हैं हम। तो आपका यहाँ पे क्या होता है, ये ख़त्म होता है। पांचों टाइप नाउन के पांचों टाइप जो हैं मैंने ख़त्म कर दिए हैं। अब नाउन इसके पार गया तो फिर मैं आपको क्या बताऊँ अब आसानी से। हाँ, ये एक बात बता दें, कलेक्टिव नाउन जो है उसका थोड़ा टाइप होता है अलग अलग, तो वो आपको मैं पढ़ा दूंगा, अच्छे से पढ़ा दूंगा। अभी चलो एक्सरसाइज करते हैं, पहले एक्सरसाइज भी आगे दे रखी है मैंने, कुछ कर लेते हैं इस पर एक्सरसाइज। ये रहा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ा देता हूँ। यहाँ पे पहचानना है तुम्हें कि पांचों नाउन हमें पहचानना है, यहाँ पे पांचों नाउन को हमें पहचान के यहाँ पे बताना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला यहाँ पे लिखा है आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 50 स्टूडेंट्स। तो आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 50 स्टूडेंट्स, तो आपका यहाँ पे आवर क्लास, क्लास आपका कैसा नाउन हो गया, तो कॉमन नाउन हो गया, क्लास के जैसे अदर नाउन भी होते हैं। अब जो है
मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, ये जो पांच सारे के जो सारे जो 14-15 दिए हुए हैं इनको आपको करना है। हर एक एक का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये मैं आपको दे रहा हूँ। अगर नहीं हो पाएगा तो भी बताना, मैं करवा दूंगा। इन आप सभी को जो है, अगर वीडियो के लास्ट तक बने हो आप, तो इन सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में आप देना मुझे कि एक पहले का एक कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कैसा होगा। कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आप वहाँ पे रोक रहा हूँ, इसे आपको करके बताना है। तो बता देना, पढ़िए। और कैसा लगी आपको, कैसी लगी आपको क्लास बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में, वो भी बता देना है। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट, किसी नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली नाउन के पार्ट के साथ। सो अपना ख्याल रखना। सो जय हिंद एंड जय भारत।